हेलो फ्रेंड्स, होमार चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्स डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैंने बुकरम लिया है, इसकी लंबाई मैंने 15 इंच लिया है और चौड़ाई 13 इंच। तो ये बिल्कुल मार्केट से सा बनके तैयार होगा और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए हम जितनी हमने बुकरम ली है उतने ही हम कपड़े के 3 पीस कट करें। हमने 3 पीस कट कर लिए हैं, पर अब हम यहाँ पे एक बार 2 यूज़ करेंगे, तीसरा पीस है वो बाद में यूज़ करेंगे। तो हमने पहले कपड़े को रखा, फिर बुकरम रखा और ऊपर कपड़े को रखा, फिर हमें चारों ओर एक सिलाई देनी है। फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। सबसे ज़रूरी है ये फ्रेंड्स कि कमेंट्स करें, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, हमने चारों ओर सिलाई कर ली है। अब हमारा आगे का स्टेप क्या है, इस कपड़े को हम इस तरीके से चोर जैसे रखा है वैसे ही हमें रख के जिस साइड से हमारी चौड़ाई है उस साइड से हमें 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं। जहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं 2-2 इंच पे, वहीं पे हमें लंबाई बिल्कुल सीध में सिलाई करनी है। तो पहले हम एक साइड इस साइड 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से हमें सिलाई करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसको सिल लिया है, 2-2 इंच पे सिलाई कर ली है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ 4 इंच पे हमें निशान लगाना है, फिर हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है नीचे की ओर 3.5 और लंबाई इधर 4। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे, इसको इससे मिला लेंगे। अब हमें बिल्कुल गोल शेप देनी है। बीच वाला जो निशान लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक हमें गोल शेप देके जहाँ हमने शेप दिया वहीं से हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे यहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ पे हमने अपनी गोल शेप में निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने घर में वेस्ट पड़े हुए कपड़े से सुंदर सा अपने मोबाइल के लिए या छोटी मोटी चीज़ डालने के लिए अपना पर्स तैयार कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। जो हमने 3rd पीस रखा था उसको अब यहाँ रखेंगे। अब जैसे हमने इसको कट किया है वैसे इस कपड़े को कट करेंगे। तो इसको इस तरीके से पहले रखेंगे, फिर इसको ऊपर रखेंगे हम। अब हमें जैसे हमने कटिंग किया वैसे हमें यहाँ कटिंग करनी है। पहले हम निशान लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगाने के बाद में ये कट कर लिया है हमने। इसे हम पहले कपड़े को रखेंगे सीधा, पहले सीधे पीस को रखेंगे, फिर उसके ऊपर उल्टे पीस को रखेंगे। ये हमारा उल्टे साइड का पीस है, इसके चारों ओर हमें सिलाई करनी है। एक साइड हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है जहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। तो यहाँ हमने सिलाई कर लिया, एक साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दी हमने जहाँ से हमें इसको सीधा करना है। जिस तरीके से हम पाइपिंग निकालते हैं उसी तरीके से, तो यहाँ हम इसको अब सीधा करेंगे। इसको सीधा कर लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल धीरे धीरे से बिल्कुल शेप के अंदर तैयार करना है। जैसे ये अंदर रहा है कपड़ा जो अंदर जा रहा है बार बार, इसको हम कोई
थोड़ी सी शेप देनी है सुंदर लगे ताकि, तो उसके लिए हमने ये अलग बटन लिया है डिजाइन का। हमारे पास जो भी कोई एक्स्ट्रा बटन पड़ा हो जिससे हमारे पर्स की सुंदर शेप दिखे तो उसको हम ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारी थ्री पॉकेट बनके पर्स तैयार हो गया है। जैसे ये देखो हम मोबाइल डाल रहे हैं इसके अंदर, आसानी से डाल सकते हैं, और हमारे पास कोई छोटा मोटा और सामान हमें डालना है वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा पर्स बनके तैयार हो गया है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।